तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं अडिगातामध्ये स्वागत करतो. हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका अडिगाता में स्वागत करता हूँ. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर देखेंगे. एंड द टॉपिक इन द टुडेज वीडियो विल बी उपसर्ग और प्रत्यय. क्या रहने वाला टॉपिक? उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी बोला करते हैं. तो सबसे पहले अगर उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपको जानना है तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले जान लेते हैं उपसर्ग क्या होता है, यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहता है, देख लेते हैं. डेफिनेशन सेज दैट मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं. मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जो मेन वर्ड रहता है, जिसे हम लोग हिंदी में मूल शब्द कहते हैं. नाउ मूल शब्द के पहले, बिफोर द मूल शब्द, जो शब्दांश है, फिर जो वर्ड्स लगने वाले हैं, उन्हें हम लोग हिंदी में उपसर्ग कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं. समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं. उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है. मतलब जो मेन वर्ड के पहले लगने वाले उपसर्ग है, जो प्रीफिक्सेस है, वो जो वर्ड्स है, उनका अलग से इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग होता नहीं है. जब वो वर्ड के साथ मिलता है, जुड़ जाता है, तब एक नया मीनिंग बन सकता है. बट उनका इंडिपेंडेंटली कोई अलग मीनिंग यानी कि कोई अलग अर्थ होता नहीं है. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है. मतलब जो मेन वर्ड है, जो मूल शब्द है, उनके मदद से, उन मूल शब्द से कोई नया शब्द बनाने के लिए ही मूल शब्द से पहले उपसर्ग को लगाया जाता है. मतलब जो मेन वर्ड है, उस मेन वर्ड से हमें कोई अगर नया वर्ड बनाना है तो उस मेन वर्ड के सामने प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग को लगाएंगे, तो लगाने से एक नया वर्ड जनरेट होने वाला है. समझ में आया आपको? ओके. उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देखना. प्रतिदिन, अब दिन यहां पे मूल शब्द था, उसके सामने, उसके पहले प्रति लगाया तो क्या बन गया? प्रतिदिन. ये कि नया शब्द बन गया. मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगाने के बाद एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, जनरेशन हुआ है. नेक्स्ट वर्ड वी, देश. अब देश यहां पे मूल शब्द है, जिसके सामने वी लगाया है, जो कि उपसर्ग है, तो नया वर्ड क्या बन गया? विदेश. क्या बन गया नया वर्ड, नया शब्द क्या बन गया? विदेश. नेक्स्ट एग्जाम्पल योग, जो कि यहाँ पे मूल शब्द रहने वाला है. अब इस मूल शब्द के पहले हमने क्या लगाया? प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, विच इज उप. तो ये क्या हो गया? उपयोग. क्या हो गया? उपयोग. अब उपयोग जो है ये नया शब्द है. समझ में आया आपको? ओके. अब ये जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों की तीन विशेषता यानी कि तीन स्पेशलिटीज होते हैं. कौन कौन से तीन स्पेशलिटीज होते हैं जान लेते हैं. ओके. तो उपसर्ग के तीन विशेषताएं होते हैं यानी कि तीन स्पेशलिटी होती है. कौन कौन से तीन स्पेशलिटी होती है जान लेते हैं. सबसे पहले शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि उपसर्ग लगाने के बाद आपके पास तीन अलग अलग विशेषताएं आने वाले हैं. उनमें से सबसे पहले विशेषता जो है, दैट इज शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि जो वर्ड है उसके मीनिंग में न्यू स्पेशलिटी क्रिएट करना. जैसे कि एग्जाम्पल देखना, प्र प्लस बल विच इज प्रबल. अब इसमें देखना, बल जो था वो मूल शब्द था, उसमें जो प्र है दैट इज उपसर्ग. अब प्र लगने के बाद बल जो वर्ड है उसके मीनिंग में न्यू स्पेशलिटी यानी कि न्यू विशेषता आई है, दैट इज प्रबल. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज शासन. शासन जो मूल शब्द है, मेन वर्ड है, उसमें जो उपसर्ग लगा है दैट इज अनु. जब शासन, इसका जो अर्थ है, इसमें न्यू स्पेशलिटी एड होता है, मतलब उसकी न्यू स्पेशलिटी आती है, कब? जब उसमें अनु जैसे उपसर्ग का उपयोग होता है. तो अनु लगने के बाद अनुशासन हो जाता है, जिसका जो मीनिंग है वो ज्यादा स्पेशलिटी बताती है उस मूल शब्द का. समझ में आया आपको? नेक्स्ट सेकंड स्पेशलिटी कहता है शब्दों के अर्थ को उलट देना, यानी कि जो वर्ड्स के मीनिंग है उनको अपोजिट कर देना, उलट देना, यानी कि अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं. जैसे कि सत्य, सत्य नहीं, ऑलवेज ट्रू. So, सत्य में जब अ जैसे उपसर्ग लगते हैं तो वो क्या हो जाता है? असत्य, जो कि सत्य से अलग है, ऑपोजिट है. ठीक है, सत्य का ऑपोजिट इज असत्य, असत्य. और जिसका सत्य का जो मीनिंग है वो उलट गया है यहाँ पर असत्य में. नेक्स्ट वर्ड इज यश. ठीक है, अब यश में अप जब लग जाता है, अप विच इज अ उपसर्ग, जब यश के साथ लग जाता है तो यश के मीनिंग को उलट देता है जो न्यू वर्ड आता है, दैट इज अपयश. तो अपयश का जो मीनिंग है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज यश. समझ में आया आपको?
थर्ड विशेषता देखते हैं, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ से रिलेट करना, यानी कि मेन वर्ड में जब उपसर्ग लगेगा तब उस मेन वर्ड के मीनिंग को खास चेंज करना, मतलब चेंज नहीं करता है मीनिंग को, बट बहुत हद तक उस मीनिंग से ही इसका मीनिंग भी रिलेट होता है। आपको नहीं समझ में आया ना, एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि शुद्ध, ये एक मेन शब्द यानी कि मूल शब्द है, उसके साथ जब वी लगेगा विच इज अ उपसर्ग तो बनेगा विशुद्ध। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शुद्ध और विशुद्ध दोनों का जो अर्थ है, दोनों का जो मीनिंग है, काफी हद तक सेम है। तो यही कहता है थर्ड विशेषता है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके, यानी कि उसके मीनिंग में कोई खास चेंज न करके काफी हद तक दोनों का मीनिंग जो है वो रिलेट करना है जब उपसर्ग लगेगा। जैसे कि वी प्लस शुद्ध हो गया विशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध और विशुद्ध का मीनिंग जो है काफी हद तक सेम रहने वाला है। नेक्स्ट, ब्रह्मन इज आपका मूल शब्द, ब्रह्मन यानी घूमना, तो ब्रह्मन में जब परी लगेगा विच इज उपसर्ग, परी ब्रह्मन बन जाएगा। तो परिभ्रमण और ब्रह्मन, ये दोनों का जो अर्थ है, ये दोनों का जो मीनिंग है वो काफी हद तक सेम रहने वाला है, काफी हद तक एक दूसरे को वो रिलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे। समझ में आया आपको उपसर्ग के तीन विशेषताएं? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रत्यय है, प्रत्यय देखने से पहले उपसर्ग का एक पॉइंट मिस हो चुका था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं पॉइंट, देख लेते हैं। पॉइंट इज दैट उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। उपसर्ग जो है वो शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है, क्योंकि एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग में विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। यानी कि मैं बताता हूँ मीनिंग आपका, उपसर्ग जो उपसर्ग के मदद से जो शब्द निर्माण होता है वो बड़ा ही सहायक होता है। मतलब उपसर्ग के मदद से, उपसर्ग के हेल्प से जो शब्द निर्माण करते हैं, जनरेशन ऑफ वर्ड्स करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब क्यों इंटरेस्टिंग होता है? क्योंकि एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग में, मतलब एक ही मूल शब्द, एक ही मेन वर्ड अलग अलग विभिन्न यानी डिफरेंट उपसर्गों के साथ मिलके नए शब्द बनाता है विथ डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब क्या, एक मेन वर्ड अलग अलग प्रीफिक्सेस के साथ मिलकर नए नए वर्ड बनाता है विथ नए नए मीनिंग, जिसमें एक ही मतलब सेम मूल शब्द, सेम मेन वर्ड रहने वाला है। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, अब यहाँ पे मेन शब्द देखिएगा, हार 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 हार, सो हार इज अ मेन शब्द, मूल शब्द यहाँ पर। समझ में आया आपको? उसके साथ जो उपसर्ग लगा है, पहले लगा प्र, जब प्र हार के साथ लगेगा दैट इज प्रहार, प्रहार का मीनिंग होता है अटैक। नेक्स्ट हार, हार के साथ लगा आहा, आ, तो आ जब हार के साथ लगेगा तो बनेगा आहार, आहार इज डाइट, जो बेसिकली डाइट होता है उसको आहार कहते हैं। हार, हार के साथ सम लगा तो बनता है संहार, संहार, तो संहार का यानी नाश, ठीक है, संहार का मीनिंग क्या है, नाश। उसके बाद लास्ट में हार के साथ लगा है उप, क्या लगा है, उप, अब उप प्लस हार उपहार होगा, उपहार इज गिफ्ट। तो देख लिया आपने, अलग अलग जो प्रीफिक्सेस है, जो उपसर्ग है, जब एक ही मूल शब्द के साथ लगते हैं तब अलग अलग शब्द विद अलग अलग मीनिंग क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? तो अब जानते हैं प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले प्रत्यय का डेफिनेशन क्या कहता है वो जान लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ प्रत्यय सेज दैट जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ के उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्या, जो शब्दांश, मतलब ऐसे वर्ड्स जो मूल शब्द के एंड में लग के उनके अर्थ में न्यू स्पेशलिटी या फिर उनके अर्थ में न्यू विशेषता लाती है या फिर विशेषता पैदा करती है, जनरेट करती है, उत्पन्न करती है, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यय कहेंगे। एक मूल शब्द है, उस मूल शब्द के बाद में अंत में एक शब्द लगेगा विच इज कॉल्ड एज प्रत्यय, और ये प्रत्यय लगने के बाद उसका जो अर्थ है उसमें नई विशेषता पैदा होती है यानी कि जनरेट होती है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। जब प्रत्यय लगेगा, मूल शब्द के साथ प्रत्यय जब लगेगा तब मेजरली दो चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले उसका भाव बदलेगा, उसके बाद उसका अर्थ भी बदलने वाला है। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? भाव बदलेगा और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो किस तरह से चेंजेस होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले
भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखा है आपने इस पॉइंट में कि भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग मूल शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगा सकते हैं। कैसे? उदाहरण के साथ बताता हूँ। अगर आपको भाववाचक संज्ञा चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे मानव इज मूल शब्द, उसमें ता ये प्रत्यय लगने के बाद मानवता बन गया जो कि भाववाचक संज्ञा है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चा इज अगेन अ मूल शब्द जिसमें पण इज आपका प्रत्यय, तो बचपन जो बनेगा आपका दैट विल बी योर भाववाचक संज्ञा जिसकी जेनरेशन हो रही है मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाने से। थर्ड एग्जाम्पल सेज दैट चतुर विच इज अगेन मूल शब्द, उसमें प्रत्यय लगाने वाले है आई, तो क्या बन गया चतुराई विच इज अ भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? इस केस में ये तीनों भी आपके भाववाचक संज्ञा हो चुके हैं। नेक्स्ट विशेषण, अब विशेषण बनाना है हमें, तो मूल शब्द इज दया, उसमें हमने प्रत्यय क्या लगाया आलू, तो नया शब्द क्या बन गया दयालु विच इज अ विशेषण। क्या है ये? विशेषण। उसके बाद भारत इज अ नेक्स्ट मूल शब्द, अगला मूल शब्द हमारा भारत है जिसमें प्रत्यय लगाया ई, तो वो बन गया भारतीय विच इज अगेन अ विशेषण। समझ में आया आपको? नेक्स्ट मूल शब्द इज चमक, चमक अगला मूल शब्द है जिसमें जो प्रत्यय लगाए दैट इज इला, क्या लगाए इला, तो क्या बनेगा चमकीला विच इज अगेन अ विशेषण। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल गया कि ये तीनों जो थे विशेषण थे जिसमें मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगने के बाद विशेषण बनाए, और पहले तीन एग्जाम्पल में क्या देखा मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगने से हमारा क्या बना है भाववाचक संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यय किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहां पर दिया है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब जो क्रिया है, जो वर्ब्स होते हैं, क्रियाओं से वर्ब से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में, जो मूल धातु है उसमें प्रत्यय को लगाया जाता है। समझ में आया आपको? जैसे कि एग्जांपल्स दिए, सबसे पहले क्रिया इज लिखना, वर्ब क्या है सबसे पहले लिखना, जिसका मूल धातु इज लिखा, उसमें हमने प्रत्यय लगाया वट, तो क्या हो गया नया शब्द जो बन गया दैट इज लिखावट। समझ में आया आपको? इसमें जो मूल धातु था दैट वॉज लिखा, जिसका क्रिया था लिखना, इसका मूल धातु लिखा है, उसमें हमने प्रत्यय लगाया वट, तो नया वर्ड क्या बन गया, नया शब्द बन गया लिखावट। समझ में आया? नेक्स्ट क्रिया इज पढ़ना, कौन सी क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया की जो मूल धातु है दैट इज पढ़, तो पढ़ में जो हम लोग ने प्रत्यय लगाया दैट इज आई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई। समझ में आया? सो पढ़ाई इज आपका न्यू वर्ड, नया शब्द। नेक्स्ट क्रिया इज बुलाना, बुलाना नया क्रिया है, मतलब अगला क्रिया क्या है बुलाना, जिसका मूल धातु इज बुला प्लस उसमें प्रत्यय ऐड करेंगे आवा, क्या करेंगे आवा, तो बुला प्लस आवा विल बी बुलावा विच इज अ न्यू वर्ड, नया शब्द बन गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिया है आपका दैट इज उड़ना, दैट इज उड़ना, अब उड़ना में जो मूल धातु दैट इज उड़, दैट इज उड़, क्या रहेगा आपका मूल धातु उड़ना का उड़ प्लस उसमें हमने प्रत्यय लगाया दैट इज आन, तो नया शब्द क्या बन गया हमारा उड़ान। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए हमें मूल धातु में प्रत्यय को ऐड करना पड़ता है। समझ में आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। अब देखो जो प्रत्यय है उसके दो प्रकार होते हैं, यानी कि प्रत्यय के दो टाइप्स होते हैं, कौन से बताता हूं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत और तद्धित। सबसे पहले जान लेते हैं कृदंत प्रत्यय क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका मतलब ऐसे प्रत्यय, ऐसे सफिक्सेस जो वर्ब के नॉर्मल फॉर्म के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, किसका जनरेशन करते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण का जनरेशन करते हैं, इसको क्या करते हैं निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे कृदंत प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार थे जिसमें से कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो कि क्रिया के वर्ब के नॉर्मल फॉर्म सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा या फिर विशेषण का निर्माण करते हैं, जनरेट करते हैं। समझ में आया आपको? एग्जांपल देखो,
कृदंत प्रत्यय का फर्स्ट एग्जांपल इज एरा, क्या है एरा, जिससे बनेगा लुटेरा कैमेरा। उसके बाद आकू, आकू इज ऑल्सो कृदंत प्रत्यय जिससे बनेगा लड़ाकू और पड़ाकू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कृदंत प्रत्यय इज इया, जिससे बनता है बढ़िया और घटिया, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कृदंत प्रत्यय इज आन, क्या है आन, जिससे बनेगा उड़ान और थकान, समझ में आया। दिस इज व्हाट वी कॉल कृदंत प्रत्यय, पहला टाइप। सेकंड टाइप इज तद्धित प्रत्यय, ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब नॉर्मल है, इजी एकदम, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, इन शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सिंपल है, एग्जांपल देखो, तद्धित प्रत्यय का पहला एग्जांपल इज आ, जिससे बनेगा ठंडा भूखा, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल इज आर, तद्धित प्रत्यय का नेक्स्ट एग्जांपल इज आर, जिससे बनेगा सुनार और लुहार। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ तद्धित प्रत्यय इज आई, जिससे बनता है बुराई और भलाई। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ तद्धित प्रत्यय इज पन, जिससे बनता है बचपन और लड़कपन, समझ में आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने उपसर्ग क्या है स्टार्टिंग में देख लिया था, उसके कैसे यूज होते हैं वो भी देख लिए, प्रत्यय क्या ये भी देख लिया, उसके कितने प्रकार हैं और उनके कैसे यूजेस होते हैं। अगर आपने वीडियो अब तक देख लिया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे न्यू वीडियो में।